अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हमीदास हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स पर। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश खुशहर्रम और शादोआबाद रखे। आज मैं आपके लिए एक घर में फेस वॉश बनाने की रेमेडी लेकर आई हूं, जो बहुत ही आसान है। मैं समझती हूं आप सब ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये चावल हैं, ये मैंने अर्क के गुलाब में भिगाए हैं। ये पहले से मैंने आधे घंटे पहले से भिगाए हुए हैं, इसलिए कि टाइम बहुत वेस्ट होता है, जल्दी जल्दी मुझे रेमेडी बनानी है। ये चावल स्किन को शीशे की तरह चमकदार बनाता है। इसमें मैंने अर्क के गुलाब एक कप के बराबर शामिल किया है। मैंने इसमें अर्क के गुलाब डाला है। अगर आपके पास अर्क के गुलाब नहीं है तो आप पानी भी डाल सकते हैं। ये स्किन पर मौजूद मैल को ख़त्म करता है और स्किन को फ्रेश लुक देता है। अब इन दोनों अज्जा को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। इसके बाद ये देखिए, ये मैंने ग्लेंड कर लिया। इसे आधे घंटे भिगाने के बाद ग्लेंड कर लेना है। ये देखें, मैंने ग्लेंड कर लिया है। अब इसको, इसके बाद दूसरी चीज़ है, ये बादाम की खली है। ये देखें, ये इस तरह होती है। ये आसानी से पंसार के पास मिल जाती है और इसे भिगोना है दो घंटे के लिए। मैंने ये देखें, ये देखिए, ये दो घंटे पहले मैंने भिगो कर रखा था इसको, तो ये इस तरह इसका लुक आया है। ये देखिए, बिल्कुल पेस्ट की शक्ल अख्तियार कर ली। और ये देखें, ये कितना सख्त है कि ये इस तरह से टूट रहा है। तो ये है बादाम की कली, जो इस तरह हमें पेस्ट की शक्ल में लेनी है। आइए शुरू करते हैं रेमेडी। तीसरी चीज़ है ये साबुन। आप अपने घर में जो भी साबुन इस्तेमाल करते हैं वो ले लीजिए। मैं ये अलग से इस्तेमाल करती हूँ, इसीलिए मैंने इसको लिया है। इसको भी मैं थोड़ा सा कद्दूकस करना है, टू स्पून के बराबर। टू स्पून के बराबर हमें ये साबुन ले लेना है। आपके घर में कोई भी साबुन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ब्यूटी सोप है, इसलिए इसके अंदर जो है ग्लोथाइवन का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। यह हमारी स्किन को बहुत तेज़ी से गोरा करता है। आइए शुरू करते हैं। हमने ये जो क्रश किया हुआ साबुन है, ये सारा इसमें बाउल में डाल देना है। ये टू स्पून के बराबर है। ये देखिए, मैंने डाल दिया। अब इसमें 1 टेबल स्पून ये बादाम की खली जो है वो मैंने पेस्ट बनाया था भिगा के, ये मैंने ये एक ले ली है। और ये जो अर्क के गुलाब और चावल का पेस्ट बनाया था, ये हमें पूरा ले लेना है इसके अंदर। ये भी मैंने 3 टेबल स्पून लिए थे और उन्हें भिगा दिया था दो घंटे के लिए, तो और फिर नरम पड़ गए तो मैंने उसे ग्लैंड किया। अब ये देखें, ये साबुन भी हमने इसमें यूज़ किया हुआ है, बादाम की खली। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। बादाम की खली स्किन को मॉइस्चराइजर करेगी, स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाएगी। चेहरा वॉश करने के लिए ये बहुत ही अच्छी फेस वॉश बना है। स्किन पर मौजूद तमाम दाग धब्बे बिल्कुल ख़त्म कर देगा। ये तीन चीज़ों से मिलकर एक बहुत अच्छी रेमेडी बन गई है, जिसे आप इस्तेमाल करके अपने चेहरे को गोरा और जो चेहरे की जितनी भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। इसे आप किसी जार में रख सकते हैं, इस तरह के जार में आप रख सकते हैं। इसे महफूज कर लें, इसको फ्रिज में रख लें। इसे आप किसी भी शीशे के जार में रखकर
फ्रिज में महफूज कर सकते हैं। ये काफ़ी दिन तक आपके यूज़ में रह सकता है। आइए अब इसका मैं तरीका इस्तेमाल बताती हूँ। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि दिन में जब भी आप अपना मुंह धोएं तो ये थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इसको अपने चेहरे पर रगड़ते हुए मसाज करें और 2 से 3 मिनट बाद धो लीजिए। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त नतीज आपको मिलेंगे, आपकी स्किन भी गोरी हो जाएगी और जो चेहरे पर पिंपल्स वगैरह होते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। मेरी रेमेडी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुँचे। लाइक और शेयर भी कीजिए, शेयर इसलिए कि आपके दोस्त भी मेरी इस रेमेडी से फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।